गो डैडी की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपने एडवर्टीज़मेंट भी देखी होगी और बहुत सारा जो है वो आपने सुना होगा, 1 रुपया में आपको फर्स्ट ईयर, ऐसा बहुत सारा। तो इसकी रियलिटी क्या है वो आज हम लोग जानेंगे और क्या आपको डोमेन बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो यहाँ पे जो वो क्लियरली मैंसनड है कि ₹1 फॉर द स्लैश फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, मतलब कि कहानी कुछ और भी हो सकती है। तो देखो इसको जो है वो कैसे समझेंगे, बिना अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप जो है वो बहुत बड़े जो है वो डायलमा में रहोगे और बाद में आपके साथ स्कैम हो जाएगा और कंपनीज की जो है वो गारंटी नहीं लेगी। आपको पढ़ना चाहिए था टर्म्स एंड कंडीशन, बाद में वो यही बोलेंगे। तो देखो जैसे ही अगर आप जो है वो ये जो है ना .co फॉर फर्स्ट ईयर, इस पर अगर आप टैप करोगे तो आप देखो इस पर टैप करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो रहा है, तो वो भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और उसके बाद जो एक दूसरा यहाँ पे लिंक था ये वाला, ओके .in के बारे में, तो .in का अगर आप देखोगे तो सबका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके यहाँ पे आप स्लैश में देखोगे फॉर द फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है और 3 ईयर के परचेज पे है, मतलब आप 3 साल का इनका प्लान लोगे तो फिर आपके लिए जो है ये 1 रुपया पर फर्स्ट ईयर लगेगा, यानी कि आपको जो है वो प्राइस और भी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं कि कितना होगा, तो लेट से कोई एक सर्च करके देखते हैं कि क्या ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं और इसकी प्राइसिंग देखते हैं, ओके, क्योंकि बिना प्राइस चेक किए जो है वो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसकी प्राइसिंग कितनी है। तो देखो इसको अगर मैं प्राइस पे देखता हूँ कि कितनी आ रही है Flipkart, तो प्राइस कंपैरिजन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो बाद में ऐसा नहीं लगे कि जो असली बात नहीं बताई गई। तो देखो ये जो है वो .in की प्राइस है, ओके सॉरी ये .com की प्राइस, ओके यहाँ पे देखोगे तो ये जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है .com, तो ये जो है वो .com की है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और इसी के जो है वो इस वाले पेज में देखोगे तो ये .co की है, ये .co है, ओके। तो .co की देखो आप बात करो तो जो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि 1 रुपया आपको फॉर द फर्स्ट ईयर, वो 1 साल के लिए आपसे ले रहे हैं 999, 2 साल के लिए ले रहे हैं आपसे लगभग 3800 और 3 साल के लिए आपसे ले रहे हैं 6500, तो 3 साल के लिए आपसे ले रहे हैं 6500 रुपये। और अगर आप .com की ओर जाओगे तो .com की ओर देखोगे तो आपको 3 साल में इसकी लगेगी कितनी, 3 साल में यहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा है, 3 साल में ये आपको दे रहा है ₹26 में, ओके अराउंड 2600 रुपये में, और GST ये सब भी शायद आगे अभी आपको लगेगा ही। तो आप देख लो कि पहले साल में ये तो लिखते हैं कि 1 रुपया, लेकिन सेकेंड ईयर में 1300 ले रहे हैं, थर्ड ईयर में 1300, और रिन्यूअल चार्जेस भी देखो, क्योंकि अगर आपकी डोमेन चल गई तो रिन्यूअल चार्जेस बहुत ज़्यादा है, कितनी है 3900 लगभग, और इस केस में देखो 2 साल के लिए तो ये 2600 और 1 साल के लिए तो ये जो है वो 1300, तो रिन्यूअल चार्जेस भी आप देखो तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आप 1 साल के लिए लो या फिर 2 साल के लिए लो या 3 साल के लिए लो, तो वो ये जो 1 रुपया का आपको लालच दिया जा रहा है वो सब कुछ भी नहीं है। आपको जो है बस बिजनेस स्ट्रैटेजी है उसमें आपको नहीं पढ़ना है। तो देखो मैंने आपको जो है वो दिखा दी रियलिटी, अगर आप .co में जाओगे ये देख कर कि 1 रुपया में आपको मिल रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, बेवकूफ़ बन जाओगे, उल्लू मत बनना। रिन्यूअल चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रख लो, रिन्यूअल चार्जेस, ओके रिन्यूअल चार्जेस बहुत ज़्यादा होती हैं, .com की थोड़ी कम पड़ती है और .in की उससे थोड़ा सस्ता है, लेकिन अगर आप देखोगे .com और इन सभी के अलावा तो और सभी की बहुत ज़्यादा रिन्यूअल चार्जेस होती हैं। तो अगर आपको डोमेन लेना है तो ट्राई करो कि .co .in ये सब में आप .com और .in में जाओ, क्योंकि .co या फिर .info .site उन सभी में आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ जाएंगी। तो आई होप कि आपको जो है वो मैंने बता दी। तो आप कोई भी डोमेन परचेज करना चाह रहे हो तो देखो आप सर्च करो, पहले सर्च करो और उसके बाद जो है वो आप उसकी प्राइस देखो कि ये 1 साल के लिए कितना लग रहा है, 2 साल के लिए कितना लग रहा है। जैसे ये देखो .in के लिए 1 साल में कितनी लग रही है, 1 साल में .in की अगर आप देखोगे तो 1300 रुपया लग रहा है, ओके। और रिन्यूअल जो है वो रिन्यूअल इसका ज़्यादा है, नहीं अब जो है वो अपडेट हो गया, तो रिन्यूअल जो है वो इसका कम है .com से, .in की जो है वो रिन्यूअल चार्जेस आपको 700 के आसपास है और ये
पहला ईयर में भी आपको 600 के आसपास पड़ रहा है, और वहीं अगर आप इसको जो है वो 2 साल या 3 साल के लिए कर दो, मैं लेट से 3 साल के लिए कर दे रहा हूँ, तो 3 साल के लिए देखते हैं अपडेट हो रहा है अभी कितना होता है। तो देखो यही है कि आप जो है वो जस्ट किसी के कहे सुने पे मत चले जाओ, खुद जो है वो देखो। जैसे ये देखो कि 3 साल के लिए आपको 2000 रुपये लग रहे हैं, और फर्स्ट टाइम में जो है वो दोगे तो आपको 1399 लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर है। अगर आप .in और .com में कन्फ्यूज हो, और अगर आपका ट्रैफिक सिर्फ इंडिया में है, तो आप इंडिया में अगर सिर्फ रहते हो तो आप .in को बेझिझक ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड यूज़ करना चाहते हो तो .com वाला लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रिन्यूअल चार्जेस बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे .in और .com के अलावा जो भी आप डोमेन यूज़ करोगे उसमें। सो आई होप कि कुछ आपको बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दूंगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करें तो आप जो है वो क्लैरिटी चाहते हो तो आप अचार प्रशांत की वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे अचार प्रशांत, तो इनकी जो है वो यूट्यूब के चैनल आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इनकी जो है वीडियोज़ रहती है, काफ़ी जो है वो क्लैरिटी भरा इनका जो है वो आंसर्स रहता है, और आप इनके जो है वो गीता सेशन से भी जुड़ सकते हो, और बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, अराउंड जो है वो 50 मिलियन सब्सक्राइबर है, और इनकी ऐप है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप डेली विजडम कंटेंट्स देख सकते हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक बार आप ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करना आचार्य प्रशांत।